नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल फॉर्म है। इनके सारे सवाल ये थे कि जॉब कैसी रहेगी, जीवन कैसा रहेगा, जो कुछ मुझे दिखता है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके फॉर्म करने से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखा देखी जाए तो आप पाएंगे कि देखिए आपके जो मेजर क्वेश्चन थे वो जीवन, करियर, हेल्थ, वैवाहिक जीवन, ये सब थे। तो इसकी तो इन्हीं चीजों को देखेंगे और पाएंगे कि आपके हाथ में क्या क्या मुझे दिखता है। देखिए सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा ही देखेंगे। देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, यहाँ से निकली ये इसके बाद भाग्य रेखा में जुड़ गई है, इसके बाद इसका एक छोर यहाँ से निकला है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक है और जीवन रेखा तो अच्छी है, मजबूत है, पूरी जीवन रेखा दिखती है। देखिए जीवन रेखा का इतना घुमावदार होना और इतना अच्छा होना इस बात को संकेत करता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है, स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति उन पर पार पा लेता है। स्वास्थ्य व्यक्ति को परेशान करेगा बट इतना नहीं कि आपके जीवन को प्रभावित कर पाए, केवल कुछ महीनों में परेशान स्वास्थ्य से आपको दिक्कत आ सकती है। वो कब आएगी कैसे आएगी वो भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा डबल थी और एक इस बात की संकेत दिखाता है कि बचपन में आपको फाइनेंशियल इश्यूज या फिर स्वास्थ्य की समस्या, फिर पारिवारिक समस्या, परिवार में लड़ाई झगड़े, पारिवारिक समस्या रही होंगी। इसके बाद जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि मंगल रेखा के साथ मिल चुका है, शायद विवाह के बाद ये योग बने हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जीवन रेखा के साथ साथ मंगल रेखा चले, समझ जाइए कि आपके घर वाले हमेशा आपका साथ देंगे, हर दिक्कत हर परेशानी में आपको उनका सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखिए मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास को दिखाती है। इसका मतलब यह भी देखा जाता है कि यदि आपके जीवन में आपने बहुत बड़ा पैसा कमाया है तो उसमें से इतना बड़ा हाथ आपके जीवन साथी के अच्छे कर्मों, उनकी किस्मत, उनके साथ आने से जो आपको भाग्य मिला है, इतना बड़ा हाथ आपके माता पिता के आशीर्वाद का इतना बड़ा संयोग रहता है, आपके खुद के कर्मों का इतना संयोग रहता है। आप भी समझ सकते हैं व्यक्ति अपने भाग्य से ज्यादा अपने माता पिता, अपनी संतान और अपने जीवन साथी के भाग्य से पैसा कमाने वाला होता है। समझ जाइए कि आपका भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है और आप अपने भाग्य से ज्यादा उनके भाग्य से प्रभावित रहेंगे जीवन भर। इसके अलावा आप यह भी समझ सकते हैं कि उनका साथ आपको हर घड़ी, हर मुश्किल, हर समस्या में मिलेगा। और मंगल रेखा भी है तो मैं अभी नहीं जानता कि आप किस काम में है, क्या जॉब कर रहे हैं, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, सीमेंट का बिजनेस, ईंटों का बिजनेस, रोड़ा रीति बदरपुर, और देखिए धरती से जो कुछ भी निकलता है वो सब कीजिए, चाहे सीमेंट हो, रेत हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग हो, चाहे रियल इस्टेट हो, घर बनाना बेचना हो, कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, खेती हो, आपको करना रहेगा। तो ये काम जरूर से जरूर कीजिएगा, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, बट मेरे कहने पर साइड बिजनेस इन चीज़ों का जरूर चलाइए। देखिए धरती माँ का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है तो धरती माँ से जो भी चीज़ें निकलती है, सोना, हीरा, लोहा, चांदी, कोयला, सीमेंट, रेत, ईंटें, जो भी निकलता है सबका बिजनेस एक काम पकड़ लीजिएगा और उसमें अपना किस्मत आजमा के जरूर देखिएगा। भगवान की कृपा रही, कर्म अच्छे रहे तो आप इस कार्य कर करोड़पति जरूर बनेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर भी व्यक्ति बन जाते हैं। तो जीवन रेखा ठीक है, मजबूत है, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। देखिए मस्तिष्क रेखा में एक बदलाव आया है, क्या? ये देखिए यहाँ से सीधी है और सीधी होती है जाती, लेकिन आपके हाथ में यहाँ से झुकना स्टार्ट हो गई। तो ये जो एज रहेगी आप रहेगी 50 वर्ष, 50 वर्ष का जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप धार्मिक बनेंगे। घटना मतलब मैं दुर्घटना नहीं कर रहा, बट जो स्थितियाँ होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जीवन में ऐसी घटना होंगी 50 वर्ष के बाद कि आपका ध्यान धर्म की ओर जाएगा, धर्म से आप प्रभावित रहेंगे और बुढ़ापे के अंदर गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे, जिसमें केवल आप भगवान का नाम जाप, पैसे से आपका मुंह हटेगा और अत्यंत धार्मिक का बुढ़ापे में रहेंगे। यहाँ पर वी साइन अंत में ये चपल बुद्धि को दिखाता है, व्यक्ति चालाक चतुर बुढ़ापे के अंदर भी होता है और बुद्धि बढ़ती है जीवन में, नए नए एक्सपीरियंस लेकर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बुद्धिमान देखा जाता है और आपके साथ चालाकी करना, आपके साथ फ्रॉड स्कैम करना थोड़ा मुश्किल पाया जाया करेगा। ये आपके अंदर मनी ट्रायंगल भी बन गया है। देखिए मनी ट्रायंगल ये एक मिथ्या होती है बहुत लोगों के मन में, अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल तो आप बहुत बड़े करोड़पति बनेंगे, बहुत अरबपति बनेंगे, बहुत बड़ा पैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मनी ट्रायंगल इस बात को दिखाता है कि जितना पैसा भी आपके पास है, चाहे करोड़ों में है, चाहे आप जितने पैसे वाले नहीं है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, लेकिन आपको जितना पैसा है आप उसको उसका सदुपयोग करना जानते हैं। बड़े पैसे को तो नहीं, बट हाँ पैसे के सदुपयोग को रेखा दिखाती है, तो पैसे का सदुपयोग आपको रहेगा। इसके अलावा आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने, समझने की क्षमता, आपकी बौद्धिक क्षमता मुझे अच्छी ठीक ठाक दिखती है आपके हाथ की रेखाओं में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है। यहाँ से कुछ रेखा आती हैं, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये आपको स्वास्थ्य की समस्या देंगी। जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य की समस्या तो दिखती है हाथ में, तो हेल्थ इशूज है लेकिन ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को कमर और घुटनों से समस्या आती है बुढ़ापे के अंदर।
इसके अलावा और समस्या ये रहती है कि ऐसे कि जब भी किसी एक्सपीडिशन लगते हैं तो उतनी बात नहीं बनती, संतान जब बड़ी हो जाती है तो आखिर कहीं रास्तों पर ना चलकर अपने मन का करने वाली होती है, जिससे आपके उनसे रिश्ते में टकराव आने वाले होते हैं। तीसरा नुकसान ये होता है कि ये रेखा व्यक्ति को ओवर एक्सपीडिशन से दिक्कत परेशानी डालती है। जब व्यक्ति ओवर एक्सपीडिशन करेगा कि अपने जीवन साथी से, परिवार वालों से, या फिर संतान से, या फिर माँ बाप से, जबकि ओवर एक्सपेक्टेशन से मात खाता है जीवन में, ये चीज़ हाथ में दिखती है। और किसी को दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर नहीं आता। यदि आप किसी को भी पैसा देंगे, मैं उसमें बड़े पैसे की बात करूं, जैसे कि 2-3 लाख उससे ऊपर का जो पैसा होता है वो बड़ा पैसा लौट कर नहीं आएगा, आएगा तो बहुत किस्तों में या बहुत समय बाद, जैसे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपके हाथ का बृहस्पति है, बृहस्पति का चित्र ठीक है, अच्छा मौजूद है। यहाँ पर 2 आड़ी रेखा दिखाती है, इस कॉम्बिनेशन या इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में, आपका ध्यान गुप्त उद्योग में जाएगा, जैसे टैरोट, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, गुप्त उद्योग का ध्यान जाएगा। गुप्त उद्योग में करीब बनाने के हाथ में योग दिखते हैं। शनि पर पूरी मछली है, देखिए कर्जे से तो सेटिस्फाई होंगे, संतान के लायक, काबिल, आपके बराबर आपसे ज्यादा पैसा कमाने के योग है। ये जब यहाँ पर ये रेखा होती है, समझ जाइए कि आप बुढ़ापे में सेटिस्फाई हो जाएंगे, अपने कमाए के पैसे से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सूर्य इतने अच्छे नहीं है क्योंकि सूर्य रेखा बारंबार कट रही है, ये ठीक नहीं होती, सूर्य के आपको उपाय दिए जाएंगे। बुध पर भी लाभ है, तो बुध बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि व्यापार से लाभ मिलेगा, जब जब जहाँ जहाँ जैसे व्यापार की तरफ जाएंगे, आपको अपने जीवन में व्यापार से ठीक ठाक लाभ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी और अपनी पसंदीदा कार्य का अगर आपका भाग्य बढ़िया ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए हृदय रेखा आपकी अच्छी नहीं है, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पर डबल लाइन नीचे की जा रही है, तो ये आपको पर्सनल लाइफ में दिक्कत देंगी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर आए, चाहे पैसों को लेकर आए, चाहे किसी चीज को लेकर आए, बट व्यक्ति की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। यहाँ पर देखिए 5 फेलेंजेस बन रहे हैं, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, तो पैसा तो बचेगा आपके जीवन में, जितना पैसा कमा रहे इसमें बड़ा पैसा बच जाएगा, सेविंग्स ठीक ठाक हो जाएंगे आपके हाथ में। बाकी अगर देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा यहाँ से चली इस प्रकार से, लेकिन साथ के साथ एक और भाग्य रेखा चलती जा रही है। हाथ में एक भाग्य रेखा ना होकर 2-2 भाग्य रेखा दिखती है, यहाँ तक आपके हाथ में 2-2 भाग्य रेखा है, और इसके बाद भाग्य रेखा रुकी है, विराम लिया है, लेकिन फिर जब चलिए तो भी 2 ही भाग्य रेखा चली है। देखिए आपके हर जगह में 2 भाग्य रेखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ साफ यह देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति या तो एक समय पर 2 काम करने वाले होते हैं, जिससे 2 तरीकों से पैसा आता है, और अगर ऐसा नहीं आता तो 2 चीजें ध्यान में रखता है, मन लग करता है कि ये काम भी करना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में कंफ्यूज बहुत रहता है कि मुझे क्या काम करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और है, तो इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हैं। ये चीज दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकती है, करियर रिगार्डिंग के आगे क्या करा जाए, आगे क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। बाकी अगर देखेंगे तो भाग्य रेखा ठीक है बराबर, यहाँ पर हम किसी गड़बड़ाई आपकी भाग्य रेखा, ये 45 के बाद का ये समय दिखता है, 45 के बाद, बस 5 साल तक थोड़ी दिक्कत रह सकती है। 45 से 50 के बाद आपको या तो जॉब का छूट जाना, बिजनेस कम चलना, जॉब बदलने के चक्कर में से नुकसान कर देना, या फिर पैसे की तंगी आना, फिर अपने परिवार में बड़े खर्चे कर देना, ये समस्या आपको बुढ़ापे के अंदर आ सकती है, और ये समस्या आपको इस चीज के अंदर आने वाली रहेगी। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय जो होते हैं आपको दिए जाएंगे, वो उपाय वो रेमेडीज डेली करने पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपके हाथ में जो अंगूठा है, देखिए काफी मुड़ा हुआ है, मित्रतापूर्ण व्यवहार, यहाँ पर आड़ी देखा तो व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति, आपका लॉजिक सेंस, अब अपनी बात लॉजिक क्षमता जो है वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खासी रहने वाली रहेगी, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मणिमंत्र अगर आएंगे तो मणिमंत्र देख पा रहे हैं आप, 2 रेखा दिखती है, मणिमंत्र 2 रेखा होती है, समझ जाइएगा कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप अपने जीवन में अच्छे काम करने वाले होंगे। और अगर हम भगवत का नाम जाप करते हैं, खाली समय नौ शब्द का जाप करते हैं, तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है आपसे, और आपको इस मंत्र से फायदा जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर ठीक जा रही है, तो इस पिंकी फिंगर के आपको लाभ जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, यहाँ पर सारे फेलेंजेस पर सीधी खड़ी रेखा दिखती है। जब यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप के संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले होते हैं, इसके साथ साथ अपना भाग्योदय करने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिस माहौल में आपको ढालना चाहे उस माहौल में ढालने में सक्षम देखे गए हैं। इस तरह के अच्छे खासे और ठीक ठाक योग आपके हाथ यहाँ पर देख पा रहा हूँ। सूर्य की उंगली ठीक है, बढ़िया है, और ये आपके हाथ में आपकी गुरु की उंगली से बड़ी चली गई है, ये रेखा आपको जीवन में बहुत लाभ देने वाली रहेगी। ऐसे कनेक्शन रिस्क लेता, रिस्क लेके लाभ कमाने वाले होते हैं, ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, और ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, ईगो शक्ति नहीं देखे जाते हैं आपके हाथ में। यहाँ पर देखेंगे तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर कमजोर है, इसके आपको पाए दिए जाएंगे, और सूर्य के आपको पाए दिए जाएंगे, ये 2 उपाय आपको दे दिए जाएंगे, 2 उपाय करते आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके हाथ में रेखा ठीक है, बढ़िया है, मेहनत करते रहिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा, जब जीवन में कभी किसी धोखाधड़ी मत कीजिए, बेईमानी
किसी की बद्दुआ लेना, कभी किसी से विश्वासघात करना, ये कार्य ना करें। सज्जन पुरुष का जीवन जिए, भाग्य रेखा सूर्यरेखा के ऊपर डेली डेली हमेशा करते रहें। ये दो तीन से चार कार्य करके आपको लाभ जरूर मिलेगा। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रहेगा जो वीडियो में नहीं बताया उनसे पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी बारी क्लियर कर देंगे, आपको एड्रेस सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं जो भी आपको उसे बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और अपना उपाय, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।